अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। आई हो बिल्कुल ठीक है, खुश है और मजे में है। वेलकम बैक टू माय चैनल। बच्चों के लिए बना रही हूँ नाश्ता, जो कि है फ्रेंच टोस्ट और दूध और अंडे और चीनी डाली है मैंने, और ब्रेड को मैं कुक कर लूंगी इस तरह से हल्के से ऑयल में दोनों साइड से, तो ये फ्रेंच टोस्ट रेडी हो जाएंगे। नॉर्मली मैं भी यही खा रही होती थी, लेकिन अब चूंकि डाइट कर रही हूँ तो मैं कोशिश करती हूँ कि जो भी लो कार्ब चीजें हैं वो खा लूँ। हालांकि ये ग्रेप फ्रूट मैं ले रही हूँ, इतना बड़ा नहीं लेना चाहिए, लेकिन ये ना पुराना हो रहा है, खराब हो रहा है, तो मैंने पूरा ये ग्रेप फ्रूट ले लिया। साथ में मैंने ले लिए हैं 2 एग व्हाइट्स, 2 एग्स की एग व्हाइट्स। तो मेरी वीडियो जो है ना वो आप फॉलो करते रहें आजकल, क्योंकि उसी में मैं आपको साथ साथ बताती जाऊंगी कि मैं किस तरह से मैनेज कर रही हूँ। कि एक सूप जो मैंने बना लिया था, उसके बाद से मैं घर में जो खाने हैं उन्हीं से ही अपने जो वेट है उसको कंट्रोल करूंगी इंशाल्लाह। तो वीडियो उसको वॉच करते रहें। ग्रेप फ्रूट एक दफा काट लिया जाए ना, फिर जल्दी जल्दी उसे खाना पड़ता है, क्योंकि फिर वो नहीं तो कड़वा हो जाता है और फिर खाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो बस अब मेरी स्पीड हो गई है तेज। ये मेरा नाश्ता है और इसके बाद मैंने बगैर शुगर के चाय भी पी थी। इतनी मिट्टी आ गई है ना, और ये उड़ के कहीं से रैपर्स भी आ गए, इतनी ऊपर तक आए कैसे कि मेरी समझ से बाहर है। अच्छा खैर जी, आज तो मुसलसल बारिश हो रही है और ये इस वक्त तकरीबन 5:30 का टाइम है और पुलिस कार्स फिर रही हैं, सायरन्स की आवाज़ें आ रही हैं। यहाँ पे इसी तरह ही फिर फॉलो करते हैं ना वो उनका जो भी प्रोटोकॉल है, कि खुद भी एक्टिव रहते हैं सारे कि कुछ एक्सीडेंट्स ना हो जाए। अल्लाह ने सबको अपनी हिफाजत में रखे, बट इट्स वेरी वेरी नाइस वेदर। आज तकरीबन 5:45 के करीब मैंने शाम में वीडियो स्टार्ट की है, क्योंकि सुबह से दिल ही नहीं कर रहा था, ज़रा थोड़ी सी सुस्ती हो रही थी। मैंने कहा चलो चलने देते हैं, असल में मौसम इतना प्यारा है। और मुझे अपनी यूनिवर्सिटी की फ्रेंड याद आ गई है, सादिया इश्तियाक उसका नाम था, और वो मेरी रूममेट भी हुआ करती थी। वो जब भी बारिश होती थी ना तो वो सो जाया करती थी लेट के, यूनिवर्सिटी से ऑफ होते थे ना हम लोग, तो सारा टाइम सोने में। मुझे ये होता था कि हम हॉस्टल में शाम में चाय मिलती थी, पकौड़े मिलते थे, मैं कहती थी यार सादिया उठो ना खा लें, तो कहती है मुझे इतनी सुस्ती होती है नींद आती है, तो मैं कहती थी अच्छे मौसम में किसको नींद आती है। अब मेरा वो हाल हो गया, नींद तो मुझे भी नहीं आती, लेकिन मुझे इतनी लेजीनेस होती है, जितना अच्छा वेदर होता है ना मैं उतनी लेट बैक सी हो जाती हूँ, कोई काम करने का मेरा दिल नहीं करता। तो मैंने सोचा जल्दी जल्दी खाना भी बना लेती हूँ। बाहर आप देखें ऑलरेडी शाम होती जा रही है। जब एक दफ़ा कभी सुस्ती के मारे दिल नहीं करता ना कुछ काम करने का, तो ऐसा नहीं होता कि कामों से हमें एक दिन के लिए ना मुक्ति मिल जाए। काम हमें फिर भी करने ही होते हैं, लेकिन बस स्पीड भी बढ़ानी पड़ती है और हिम्मत पकड़नी पड़ती है। तो वो चॉपिंग पहले कर ली जाए तो बड़ा आसान हो जाता है, उसके बाद कुकिंग करना। क्या सब्जी लेके आया वो बंदा इस बार ना, डिपेंड करता है कि कारफोर में बंदे को चीजें लेने की कितनी सेंस है। सब्जी फ्रूट ज्यादा तो बहुत अच्छा आ जाता है, कभी कभी ऐसा ये सारा शलजम जो है ना स्पंज बना हुआ अंदर से, खराब नहीं है मतलब एक्स्ट्रा पका हुआ है, तो मैं इसको बारीक बारीक काट के पकाने लगी हूँ, क्योंकि मेरे से कचरे में तो नहीं फेंका जाएगा क्योंकि खराब नहीं है, तो अल्लाह करे कि जल्दी गल जाए। मैंने वैसे कभी इस तरह का लिया नहीं है ना, तो मुझे नहीं पता कि ये पकेगा सही से या नहीं, बट लेट्स ट्राई। जो भी है, मेरे सलाद नहीं खाना, बच्चे तो उसको हाथ नहीं लगाएंगे, बच्चों को शलजम नहीं है पसंद ना। मेरा प्लान था इसको मटन के साथ बनाने का, मटन का एक पैकेट मैंने रखा हुआ था, लेकिन उसको मैं निकाल के डिफ्रॉस्ट करना भूल गई सारा दिन सुस्ती के मारे, तो अब मैं सादे शलजम बना रही हूँ। तो इसके लिए मैंने ऑयल में प्याज को थोड़ा सा ब्राउन किया, उसमें टमाटर डाले हैं, धनिया डाला है। इस तरह से ना धनिया स्टार्ट में डालने से शलजम बहुत मज़े के बनते हैं। साथ में मैंने इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल दिया इसे मिक्स करके, तो इसे कवर करके थोड़ा सा पानी डालना पड़ेगा क्योंकि टमाटर काफ़ी हार्ड थे ना, तो पानी डाल के मैं इसे कवर करके रख दूँगी। साथ ही मैंने इसमें नमक, मिर्च, हल्दी और थोड़ा सा जीरा भी, साबुत जीरा भी डाल दिया है। बस इसमें पानी थोड़ा सा डाला है और कवर करके रख दूंगी जब तक कि ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। लॉन्ड्री जो सुबह सुबह हो जानी चाहिए थी वो हो रही है रात में, और अब मुझे वेट करना पड़ेगा कि लॉन्ड्री साइकिल फिनिश हो जाए, तो फिर मुझे लॉन्ड्री जो है वो ड्राई होने के लिए भी डालनी है। सोचती हूँ वॉशिंग मशीन नई ले लूँ जिसमें ऑटोमेटिक ड्राइंग भी हो जाती है कम्प्लीटली, इसमें जस्ट स्पिनिंग होती है लेकिन कपड़े जो है ना डालने पड़ते हैं। तो आप मुझे बताएं कि कौन सी मशीन अच्छी है और मॉडल जो कि कम्प्लीटली ड्राई कोई कर देती हो, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है। अच्छा जी, इसमें मैंने शलजम डाल दिया, पानी डाल के कवर करके रख दिया पकने के लिए, और उतनी देर में यहाँ पर आ गई हूँ। ये जो
ट्रेडमिल है इसको मैं साइड पे करने लगी हूँ। अब ये सब चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता मुझे सेल आउट करनी पड़ेंगी, जैसे कि ट्रेडमिल है, और चूंकि हम ले रहे हैं 2 बेडरूम हाउस तो इस वजह से ये बेड वगैरह ये सब चीज़ें भी मुझे सेल करनी पड़ेंगी। अगर घर वाले में से कोई आएंगे तो उनको हम अपना बेडरूम दे सकते हैं, वो कोई मसला नहीं, हम लोग नीचे मैट्रेस पे सो सकते हैं। सो इसलिए अब मैं 2 बेडरूम ही लूंगी ताकि मेरा बिल भी कम आए। जहाँ पे सेविंग हो सकती है वहाँ पे बंदे को करनी चाहिए। तो एनीवेज यहाँ पे जो है ना वो कपड़े वगैरह भी मैंने फोल्ड कर लिए हैं और ये मज़े के शलजम तैयार हो गए हैं। अब मैं इनकी भुनाई करूंगी, साथ साथ मैं इनको मैश करूंगी। मुझे और शहजाद को मैश हुए शलजम बहुत अच्छे लगते हैं। इसमें मैंने मिर्चें भी खुशी खुशी ज़्यादा डाली हैं क्योंकि बच्चों में से कोई भी नहीं खाता, तो मैंने कहा चलो ये ज़रा करारा सा तो बने, मैं और शहजाद तो इन्जॉय कर सकें। लास्ट में इसमें गरम मसाला चला जाएगा, उसके बाद ये हरी मिर्चें और साथ में धनिया, और बस इसको फिर मैं मिक्स कर लूंगी। हरी मिर्चें मैं काट के नहीं डालती क्योंकि ये बहुत ही तेज मिर्चें होती हैं, तो कई दफ़ा एक मिर्च भी काट के डाल देना तो फिर इतना ओवरली जो है ना वो स्पाइसी हो जाता है कि फिर मज़ा ख़त्म हो जाता है और मिर्चें ही मिर्चें लगती रह जाती हैं। सो जिसने खानी हो वो हम साथ में फिर खा लेते हैं। तो मैं इसको खाऊंगी कॉलीफ्लावर राइस के साथ, और शहजाद रोटी या चावल जिसके साथ भी चाहें खा सकते हैं। प्लीज पता आज कितनी बनाई है ड्राइंग, ये आप देखते जाए। 1 बल्कि मैं क्लोज अप दिखाती हूं, ये सारी कलरिंग मशीन आज की है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13 40. मतलब ये क्रेजी बच्चा इतना ऑब्सेस्ड हुआ हुआ कि सारा दिन ड्राइंग्स बनाता रहता है। ये बर्तन यहाँ पड़े हुए आज दूसरा दिन था, एक दिन धोए, अगले दिन सुबह यहाँ पे रख दिए और पूरा दिन पड़े रहे। और अब मैंने सोचा कि मैं इनको हटा ही दूँ, वापस रख ही दूँ तो बस इनको रख रही हूँ, और छोटे छोटे जो काम करने वाले थे सोचा वो भी कर लेती हूँ। इसमें ये कैंडल्स वगैरह तो चलें इसलिए आजकल मैं बर्न करती हूँ क्योंकि बहुत ठंड है तो बड़ी अच्छी खुशबू आती है ना, मज़ा आता है कैंडल्स को देख देख के, एक ऐसी वार्म्थ सी फील होती है। ये कैंडल्स खत्म हो गई हैं, सो इनकी कैंडल वैक्स रिमूव करके इन जार्स को मैं कुछ भी डालने के लिए यूज कर सकती हूँ। Mishu, you scared Mama last night, remember? Yeah. And I scared him in the morning. I took revenge from him. Mama, can I use it with the fork also? Yeah. You can take another butter knife. Sukoon aise nahi hai lekin. Butter knife? Which one? Lekin wo apni ungliyon ko sukoon nahi de raha hai. Beta, I'll give you the butter knife. Wait, hang on. Take this. बटर नाइफ की हेल्प से सारी जो छोटी मोटी वैक्स नीचे रह गई है ना, इसमें भी क्या होता है कि इस कैंडल को जलाने की कोशिश करते हैं ना, नहीं जलती, इतनी थोड़ी सी रह जाए, तो वो मैंने और मिशी ने बटर नाइफ की हेल्प से जो है ना वो हटा दी है। और मिशी बड़े शौक से हेल्प कर रहा था, हमें अब हेल्प कराने नहीं आता क्योंकि बड़ा हो गया हुआ ना, वैसे भी उसकी आजकल तबीयत खराब हुई हुई है। सो खैर एक मैंने मिशी से करवा ली, और इसमें मैं गर्म पानी डाल दूंगी और कम्प्लीटली ठंडा होने तक पड़ा रहने दूंगी। Did you do it? Wow, Mishu did it. Good job, Mishu. Thank you. Wow. Good job, baby. Can I pull it? Yeah. Be careful. Melting, it's melting. Yeah, see? I'm going to break. That's okay. It's a very difficult one. Leave it. Thank you. सख्त सर्दी का जो नज़ला ज़ुकाम होता है ना उसके लिए सूप बहुत अच्छा रहता है। मैंने चिकन लिया है, उसमें लहसुन, प्याज और फ्रेश धनिया, फिर ये साबुत धनिया, ज़ीरा पाउडर, ज़ीरा साबुत और लौंग और दालचीनी। उसके बाद मैंने इसमें नमक डाला है और वो डाली है हल्दी, और इसको मैं पकने के लिए रख दूँगी। चिकन जो है वो हड्डियों वाला लेना है ताकि अच्छी से उसकी यखनी बन सके।
यखनी के बाद जो चिकन होता है ना, मेरे बच्चे उसको ऐसे नहीं खाते, उनको उस तरह अच्छा नहीं लगता, तो मैं क्या करती हूँ कि उसको ग्रिल करके फिर उनको दे देती हूँ। वो मैं अभी आपको दिखाऊंगी। बस ये काम जो है ना, ये हर दूसरे दिन करना पड़ जाता है कि इसमें जो है ना चीज़ें स्टॉक अप करनी होती है। ये जो साबुत मसाले हैं ना, ये तो काफ़ी देर चल जाते हैं, लेकिन वो जो पाउडर मसाले होते हैं ना, वो वाला बार बार जो है ना रीफिल करना पड़ता है। तो इस तरह से एक बास्केट में मैंने सारे मसाले रखे हुए हैं और इनके ऊपर मैं क्लिप्स लगा लेती हूँ, तो फिर मुझे इनको फ्रिज में रखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। अल्हम्दुलिल्लाह सारे मसाले सही रहते हैं। वो मेरे लिए नाइटमेयर था जब एक बिरयानी मसाला, उसको मैंने क्लिप नहीं लगाया था और उसमें कीड़े आ गए थे। आपसे मैंने शेयर किया था वीडियो में। तो बस इस तरह है कि इनको अच्छी तरह एयर टाइट करके रखें तो फिर कीड़े नहीं आते। ये चूंकि वीकेंड नाइट है, तो इस वजह से बच्चे भी अभी जाग रहे हैं। आई थिंक तकरीबन 10-11 बज रहे थे, या मे बी 10-10:30 बज रहे थे। तो काम जो है ना वो ख़त्म नहीं होते, इसलिए बेहतर यही होता है हम हाउसवाइफ्स के लिए कि हम मॉर्निंग में ही काम स्टार्ट कर दें, थोड़ी हिम्मत पकड़ें और काम मॉर्निंग में स्टार्ट कर लें। अगर नहीं करते तो फिर यही हाल हो जाता है जो मेरा हुआ है। काम तो वही है सारे जो करने हैं। बच्चों के मैंने ये फैब्रिक वाले शूज़ ले लिए हैं, वो मैंने सबसे बड़ी गलती की है, क्योंकि ये स्पोर्ट्स के लिए वाइट शूज़ पहनने होते हैं और एक दफ़ा पूरे हफ्ते में पहनने होते हैं, इतने गंदे करके ले आते हैं। जाहिर है खेल रहे होते हैं बाहर ग्राउंड में, तो फिर उनको मुझे वॉश करना होता है और वॉश करके नेक्स्ट वीक के लिए रेडी करना होता है। तो वो मेरी कोशिश यही होती है कि मैं फ्राइडे को ही इनको वॉश कर दूं। ठंड है आजकल, तो 1 से 2 दिन में ड्राई हो जाएंगे। और मंडे को तिहामी मिशारी की जो है ना पीई होती है, और वेंसडे को तिहामी की, तो इन दोनों के जूते तब तक जो है ना वो फिर ड्राई हो जाते हैं। नॉर्मली मेरी रूटीन कामों की मॉर्निंग से स्टार्ट होती है, तभी मैं मॉर्निंग से ही आपसे शेयर करना शुरू करती हूँ। इस बार इवनिंग में स्टार्ट की तो सोचा चलो शेयर कर लेती हूँ, थोड़े से काम करूँगी और बाकी की कल मैं काम कंप्लीट करके तो आपसे मैं शेयर करूँगी कि कैसी रूटीन रही 2 दिनों की। लेकिन वो जहाँ जहाँ देखें इतने सारे काम होते हैं कि फिर हम लोग अपनी नज़रें मोड़ नहीं सकते कि चलो ये कल कर लेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल यही काम ले लें, मिशारी माशाल्लाह सारा दिन ड्राॅइंग करता है और फिर उसके बाद ये रात को समेट के सोने होते हैं, ताकि सुबह उठ इसी रूम में आके बच्चे बैठते हैं, यहीं पे ब्रेकफास्ट वगैरह होता है, तो कम से कम फ्रेश लुक तो आए ना, वरना इसी तरह से गन पड़ा होगा तो सुबह आके ना तो बंदा फ्रेश नहीं फील करता। तो खैर इसको भी मैंने समेट दिया है, काम सारा क्लीन कर दिया ये एरिया भी। और फिर अब मैं तिहामी के लिए ना वो सूप रेडी हो गया था तो उसको मैं सर्व कर दूंगी, और शौक से उसने खा लिया था। तो ये मेरा तरीका होता है कि अगर बच्चों को सूप वाला देना है ना चिकन, तो उसको ग्रिल कर दिया जाए ना, तो बच्चे बड़े खुश होकर खा लेते हैं। तेज़ आग पे मैंने बगैर ऑयल के दोनों साइड से ग्रिल कर दिया है, तो ज़रा चार्ड सा इफेक्ट आ गया, तो शौक से खा लिया था। तो चलिए मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।